अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हो गया हूँ दोबारा से। पहली वीडियो मैंने बनाई और स्माइल चेक करें मेरे मुंह। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी वीडियो 25,000 लोग देखेंगे, और मेरे ख्याल लास्ट संडे को ही मैंने बनाई थी, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बनाऊंगा तो मतलब इतने सारे लोग उसे देख सकेंगे। मतलब अनएक्सपेक्टेड, लाइक 25,000 व्यूज़। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट्स भी किया, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और शेयर भी करी। और अब मैंने ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है कि कुछ चीज़ें थी मुझे डिस्कस करनी थी अपनी वीडियो के अंदर, जो कि मुझे लगा कि मैं अगर कमेंट करता तो वो लोगों को तक सही से नहीं पहुंचती। तो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, और सबके कमेंट्स पढ़े, ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी के कमेंट्स नहीं पढ़े। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने कमेंट्स लिखे, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यार मेरा आधा घंटा ज़ाया हो गया, या मैंने देखा नहीं है, कुछ नहीं किया। लेकिन इमेजिन अगर 25,000 व्यूज़ उसके ऊपर आए हैं, तो उसमें से कम 5,000 लोगों ने तो देखी होगी वीडियो, और मेरे ख्याल 250-300 कमेंट्स आए हैं मेरी वीडियो पे, और दूसरी जगह पे तकरीबन मैं देख रहा था तकरीबन 400-500 कमेंट ऑल ओवर आए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं मशहूर हो जाऊं या मैं कुछ, मैं बस मेरे अंदर जो था मैंने बोल दिया। खैर, ये वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर्स की है, तो जो आपके कमेंट्स आए उन सब पे, उनके सब के जवाब मैंने दिमाग में रखे हुए थे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स से। तो पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आया कि भाई जब तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम वापस आ जाओ पाकिस्तान। भाई मेरी वीडियो में कहीं पे मैंने ये नहीं बोला कि मुझे प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया से, मैंने सिर्फ ये बोला कि मुश्किलात कितनी होती हैं। यहाँ की लाइफ बहुत खूबसूरत लाइफ है, और इतनी खूबसूरत लाइफ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मेलबर्न आई थिंक 5th or 6th टाइम इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, और I'm so happy here. I love Australia. I love Pakistan as well. But the problem is that मुझे ये ज़्यादा लगी, लोगों ने वीडियो के शुरू के कुछ मिनट्स देखे और उसके बाद नहीं देखी। मैंने उसमें अपनी लाइफ के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने वहाँ पर उसमें कहीं नहीं बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं बहुत खुश हूँ 4 साल में। मैंने सिर्फ ये बताया कि 4 साल में भी रहने के बाद भी हमें यहाँ प्रॉब्लम मिल सकती है। ये देखें, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ फरारी ऐसे ही घूम रही होती है। तो अब मतलब इतनी खूबसूरत दुनिया है यहाँ पर, कोई भी इसको छोड़ कर नहीं जाना चाहेगा। खैर, मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, और कुछ प्रॉब्लम हुई थी लाइसेंस सस्पेंड होने का। मुझे अपनी वीडियो पर यह लिखना चाहिए था कि फॉर लाइसेंस सस्पेंशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, शायद लोग फिर उसको ज़्यादा उस तरफ से लेते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लाइसेंस सस्पेंड नहीं हुआ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट करूंगा और सब आपको इन सारे कमेंट्स में मैं पोस्ट कर दूंगा कि आप लोग मेरे क्वेश्चन आंसर्स को देखते रहें, अगर आप लोगों को देखनी है तो। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये, सबसे ज़्यादा लोगों ने ये बोला कि भाई तुमने लॉ तोड़ दिया और तुम डिज़र्व करते हो ये। पहली बात तो ये कि मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा, ठीक है, वो किस लिए? अब आप बोलोगे यार फिर पागल बना रहा है, इसकी लग गई, इसकी हट गई है। नहीं भाई, देखो मेरा केस एक बहुत सेंसिटिव है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लॉयर के पास गया तो लॉयर ने भी मुझे यही बोला कि इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड। अब वो कैसे कि बहुत सारे लोग जिनको लॉ का नहीं पता वो भी कमेंट कर रहे हैं सब नीचे कि भाई ऐसे होता है, अबे भाई देख तो लो, पूछ तो लो, किसी को पता है नहीं। इवन के जो यहाँ लड़के रह रहे हैं उन्होंने भी कमेंट किए हैं, उनको भी नहीं पता, बस लिख रहे हैं कि तुमने लॉ तोड़ दिया। हुआ ये कि जब स्पीड रिड्यूस होती है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, विक्टोरिया में रहता है, उसे पता है कि जहाँ 100 की स्पीड होगी वो अगर 80 हो जाती है या 40 हो जाती तो वो एकदम से होती है। हाँ, जो रोड वर्क्स हो रहे होते हैं उसके बारे में वो पहले से बताते हैं 1 हफ्ते पहले या 3 दिन पहले, या रोड वर्क के साइंस होते हैं। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भाई कॉमन सेंस है, आप लोग खुद देखो, किसी रोड पे, किसी M80 पे या कहीं पे भी फ्रीवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो जहाँ एक्सीडेंट होता है तो क्या उससे 5 किलोमीटर वो 40 वो 100 से 60 करेंगे, फिर 40 करेंगे और फिर 20 करेंगे? वो एकदम करते हैं ताकि आप लोग स्लो डाउन हो जाओ। तो लोगों को कुछ पता है नहीं, बोले जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी, खुद ही लॉयर हैं, खुद ही जज हैं, उन्होंने सुना दिया, सब नीचे कमेंट लिख रहे हैं,
मैंने देखा लोगों को 15-15, 20-20 लाइनों की कमेंट लिख रहे हैं, भाई वीडियो देख लो उसके अंदर क्या लिखा है, मैंने क्या बोला है उसके अंदर, समझ लो। खैर, मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे जो हमारे अपनी कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं ना, उनमें रियल नॉलेज की कमी है। पढ़े लिखे तो हैं, डिग्रियां दीवार पे लगा दी, लेकिन रियल नॉलेज इज नॉट कम्स फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम डिग्री, इट कम्स फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग द अदर कल्चर एंड रिस्पेक्टिंग द पीपल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, सुन लो पहले। खैर, ये 2-3 सवाल थे बहुत बड़े बड़े, कि हर कोई ये लिख रहा था, भाई प्रॉब्लम है तो वापस आ जाओ, तुमने लॉ तोड़ा है, तुम डिजर्व करते हो। लॉ नहीं तोड़ा, अच्छा मैं लॉ का बता देता हूँ आपको क्या होता है, कि जब 100 से एकदम 40 हुआ था, मैं 100 से ऊपर नहीं था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं 82 पे था, और जहाँ रोड वर्क, जहाँ कैमरा स्टार्ट हुआ था ना, जहाँ से 40 लगा हुआ था, मेरे पास एविडेंस भी है, मैं आप लोगों को एविडेंस वो दिखाऊंगा, मैंने अपने लॉयर को दे दिया वो पेपर। जब उन्होंने स्पीड रिड्यूस की थी, उसी वक्त मेरी गाड़ी गुजरी, इस इवन के वही 4:37 PM पर मुझे कैमरा पड़ा है, और 4:37 PM पर ही उन्होंने स्पीड रिड्यूस करी थी। अगर ऐसा कोई वाकया पूरी दुनिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी आपको मिले, तो प्लीज़ कमेंट करें और नीचे बताएं कि ये मेरे साथ हुआ है या किसी के साथ हुआ है। मैं आपको एविडेंस शो करूँगा, और उसके अंदर मेरा फ़ाइन होगा, और मैंने जो ट्रैफिक कमीशन से मैंने उनसे ईमेल मंगवाई थी, वो उनकी ईमेल और उनका टाइम दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर शायद यकीन आ जाए। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों ने ये बोला कि भाई तुम अभी भी लॉ तोड़ो और मोबाइल से वीडियो बना रहे हो। तो आप लोगों ने वीडियो अगर देखी हो, अगर सुनी हो अपने, मतलब अफसोस होता है मुझे, अपने लोग सुनते ही नहीं है। मैंने उस वीडियो में शुरू में ये भी बोला है कि मैंने पहला मेरा व्लॉग है, मुझे पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, और मैंने अपना कैमरा उठा के बस बनाना शुरू कर दिया, कैमरा उठा के मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी। अगर आप शुरू के 3 मिनट देखेंगे तो उसके अंदर मैंने ये बोला है। लेकिन लड़के भाई ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, विक्टोरिया में रहने वाले, वो लिख रहे हैं हम 6-6, 7-7 साल से हैं और हमने आज तक कभी ऐसा लॉ नहीं तोड़ा। अबे भाई सुन तो लो वीडियो में क्या बोल रहा हूँ मैं, बोले जा रहे हैं लोग, लगे हुए हैं भाई, नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी है हमारे अपने लोगों में, इतनी नेगेटिविटी है कि वो सच सही सुनना ही नहीं चाहते। वो मतलब उनको गलत बोलो तभी सही लगता है, उनको गलत ही सही लगता है। मुझे अफसोस होता है इस बात का यार, भाई आप लोग पढ़े लिखे हो, और जहाँ तक रूल मुझे तोड़ने की बात है, अगर मैं आप लोगों की एक एक एग्जांपल देता हूँ, आप सब उससे एग्री करोगे। पाकिस्तान पर से स्टार्ट करता हूँ, पाकिस्तानी मेरे जितने भाई हैं, क्या आप लोगों ने बाइक और गाड़ी आज तक रॉन्ग वे नहीं लेके गए? क्या आप लोगों ने कभी रूल नहीं तोड़ा? क्या आप लोगों ने वहाँ पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब आपके पास बड़ी गाड़ी होती है, लैंड क्रूज़र होती है या नई करोला होती है, तो आप आगे चलने वाले मेहरान वाले को या एफएक्स वाले को डिमर मारते हो कि सामने से हट जाओ, हम तेज़ी से जाएंगे? क्या ओवर स्पीडिंग आपने नहीं की कभी? क्या आप लोगों ने रात में 12 बजे के बाद जो गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी हुई होती है, आप उसको पीछे आके हॉर्न मारते हो कि हट जाओ? और जो आपने कभी सिग्नल का फॉलो किया? तो जब आप लोगों ने ही रूल फॉलो नहीं किए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमसे हम रूल तोड़ेंगे? और पहली बात तो ये कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, वो ट्रेजेडी हो गई थी, मैं आपको एविडेंस शो करूँगा आप लोगों को यकीन आ जाएगा, शायद उस पर भी लोग कमेंट करेंगे कि इट्स नॉट अ राइट थिंग। खैर, दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोगों ने ये उसमें कमेंट लिखी। अच्छा, एक मुझे अफसोस बात हुआ, एक दो भाई मेरे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो ऑस्ट्रेलियन ही है शायद, वो मुझे डिफेंड कर रहे हैं और उसमें कमेंट्स में लिख रहे हैं कि भाई स्पीड ऐसी रिड्यूस होती है, मुश्किलात होती हैं, ये वो लोग जो यहाँ रहते नहीं हैं वो उनको उसको काउंटर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं भाई तू पागल है, मतलब तू उसी को बोल रहे हैं। अबे यार प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फॉर गॉड से, भाई सच नहीं सुन सकते तो आप लोग दुनिया में कामयाब नहीं हो गए फिर कभी भी। खैर, अभी इस पर भी कमेंट करेंगे कि भाई तुम्हारी लग गई, तुम्हारी हट गई या कुछ। खैर, मैंने से भी कमेंट्स को जवाब देने के लिए वीडियो बनाई है छोटी सी, मैं सबके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा। अच्छा, ये सारे वो कमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए। दूसरी एक दो ऐसे लड़के हैं जो यहाँ पे उसमें बता रहे हैं कि मैं 7 साल से हूँ, मैं 10 साल से हूँ, मेरे को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई, उन सब के लिए वो जो झूठ आपको कमेंट में लिख रहे हैं, भाई एक इतनी सी बात बताओ, आप सब लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो और वो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, अब जो मैं बताने वाला हूँ ये मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा,
एक अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आपके पास पेन है, तो सिर्फ एक दफ़ा ये कैलकुलेट करके दिखा दो, और जो बोलते हैं ना कि मैंने रूल नहीं तोड़ा, उनका सारा सब मुंह बंद हो जाएगा। एक फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, $2170 यहाँ पर विक्टोरिया में, ये लिख लो आप, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, $21.70 पर आवर, ये यहाँ की मिनिमम वेज है, ठीक है। तीसरी दफ़ा रिपीट करता हूँ, $21.70 मिनिमम वेज है, और जो स्टूडेंट आता है यहाँ पर उसको 20 आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के, ठीक है। और हमारी पर सेमेस्टर फीस होती है $10,000 मिनिमम है, 9,000 से स्टार्ट होती है, और जो लट्रोब और बेंगी यूनिवर्सिटी, उनकी $14,000 फीस है। तो आप $10,000 लगा लो एवरेज में, मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन मतलब एवरेज 10 से 12,000 होती है। 2170 करना मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि 20 आवर्स आप पर वीक करते हो, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 20 जो आंसर आए, उसमें आप उसको एक सेमेस्टर में जितने वीक्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, गरीब हूँ मैं, आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताना। अगर आप लोगों को लगता है, वो लोग जो सारे बता रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आज तक लॉ नहीं तोड़ा, और आप इस वीडियो से एग्जैजरेट कर रहे हो, और ये भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ट्रू पिक्चर बता रहा हूँ। इस 2170 जब आप स्टूडेंट आते हो, 80% लोगों को $2170 भी नहीं मिलते, ठीक है। वो जब वो 20 आवर्स जितने भी पैसे आए आपके पास, आपको लगे कि भाई इतने, आप मुझे बता देना कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पर आके 20 घंटे पर वीक में काम करे और अपनी फीसें निकाल ले सारी। जहाँ लॉ तोड़ने की बातें कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये कि आप लोगों ने कभी लॉ नहीं तोड़ा, तो उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी लॉ तोड़ के अंडर द टेबल 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं किया, कभी आप लोगों ने कैश पे काम नहीं किया, तो भाई गलत लोगों को मत बताओ। कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 4 साल में हूँ, मैंने बहुत इन्जॉय किया, लाइफ इतनी ज़बरदस्त है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि अगर आपके साथ गलती हो जाए, कभी आपसे एक्सीडेंट हो जाए, कभी आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, मैंने उसके बारे में बताया, ठीक है। लोगों को हो सकता है इस वीडियो, मेरी पहली वीडियो अच्छी ना लगी हो, वो तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ये लगे कि यार ये अच्छा नहीं है, कि भाई ये एग्जैजरेट कर रहा है वीडियो से। और भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, और मैंने यहाँ पर आके जो सीखा है वो मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान में रहते हुए नहीं सीख सकता था। अच्छा, अब मैं कुछ उन कमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि अच्छे भी थे, और वो तो, ये तो मैंने सिर्फ नेगेटिविटी का बता दिया है, उन लोगों का कमेंट का बता दिया जिनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जिनको लगता है कि उन्होंने कमेंट किया और उनके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी लोगों ने बोला कि वो मेरा आधा घंटा बच गया। भाई पहले देख लो मेरी वीडियो, अगर आप लोगों के पास टाइम है, मैं प्रेफर करूँगा जिसके पास वाईफाई है वो देख ले आराम से। और अच्छा, अब मैं कुछ अच्छे कमेंट्स की भी बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट नहीं किए, बल्कि मुझे डायरेक्ट मैसेज किया फेसबुक पे ना। अब आप यकीन नहीं करोगे कि वो वीडियो मैंने लगाने के बाद मुझे इतने लोगों ने डायरेक्ट मैसेजेस किए, मुझसे हेल्प मांगी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार। मतलब सलाम है आप सब लोगों को जो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं या देखी है उन्होंने, कि इतने सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स मैसेजेस किए कि भाई ये बताओ ये कैसे होता है। बहुत सारे लोगों का लाइसेंस सस्पेंड हुआ, जैसे मैंने मेरा सस्पेंड हुआ, उनका भी ऐसे ही हुआ हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा भाई कैसे होता है, क्या होता है। मैं इतना खुश हुआ, मैंने बोला यार मेरी वीडियो से अगर एक बंदे की भी हेल्प होती है ना, तो क्या बात है। आवाज़ उठाओ, बताओ यार लोगों को। बहुत खूबसूरत कंट्री है, मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत है तो इसके अंदर हर चीज़ ही खूबसूरत, मैं कह रहा हूँ कि मुश्किलात आती हैं, इंसान फेस करता है, लेकिन अगर आप और मैं शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। मेरे साथ जो हुआ, मेरा लाइसेंस सस्पेंड हुआ, बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन जिनका होता है उन्हीं के ऊपर गुजरती है ना। खैर, और एक और चीज़, मैं अपनी वीडियो को छोटी करते हुए सिर्फ आपको ये बताऊंगा एक चीज़ जो कि मेरा दिल खुश हो गया था। जब मैंने वीडियो लगाई तो 3-4 लोगों का मुझे पाकिस्तान से कॉल आई। अब वो रैंडम नंबर थी, लेकिन पाकिस्तानी नंबर था। एक की कॉल की सिर्फ एग्जांपल बताऊंगा, एक अंकल की कॉल आई। हाँ, तो एक अंकल की मुझे कॉल आई और वो कराची से ही बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे कॉल की, सलाम किया, उन्होंने अपना नाम बताया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अंकल आप वीडियो देख रहे हैं तो सलाम आपको। उन्होंने मुझे फ़ोन करके
ये बोला, मुझे नहीं पता कहाँ से उनको नंबर मिला, उन्होंने मुझे फ़ोन करके सिर्फ ये बोला कि बेटा मैंने आपकी वीडियो देखी है, और हो सकता है उनका कोई बेटा, उनका भाई, उनकी कोई रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में हो और वो उनसे बात ना करता हो, तो उनकी आवाज़ में इतना दर्द था। उन्होंने मुझे बोला बेटा हमने आपकी वीडियो देखी और हमें पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है, कैसी लाइफ गुजरती है, तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो बनाने का, और ऐसी वीडियो बनाते रहें आप, और हम आपको दुआओं में याद रखेंगे और आप भी हमें दुआओं में याद रखें। आप यकीन नहीं करोगे कि उस वीडियो का बनाने के बाद मैंने सोचा नहीं था, और इस कॉल के बाद मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, मैं इतना खुश। मैंने बोला नहीं अब मैं और वीडियो बनाऊंगा और मैं सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में आपको होता कैसे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले आपको क्या 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल कैसे मतलब किस तरह ट्रैक पर चलना है, हर चीज़ बताऊंगा, अपनी भी एग्जांपल बताऊंगा कि मैं स्टार्ट कैसे किया क्या नहीं किया। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए वो देख लें, और अगर जिन लोगों को वीडियो ना पसंद आए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप लोग अपना टाइम सेव करें और कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम। दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपनी किसी वीडियो में, लास्ट वीडियो में ये नहीं बोला था कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें या लाइक करें या कमेंट करें, उसके बावजूद 25,000 लोगों ने देख लिया। वाह ज़बरदस्त यार, मैं इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक इन पाकिस्तान। और एक और बात बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों ने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे इंडिया से भी मैसेजेस आए, इंडियन लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और बहुत सारे आप अगर लाइक्स में देखेंगे तो बहुत सारे इंडियन लोग भी उन्होंने लाइक किया, उन्होंने अपना कमेंट किया और अपने दोस्तों के नाम उस पर टैग कर दिए। तो भाई अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे शेयर करें, मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, पेज मेरे नाम पर ही है तो डायरेक्ट मुझे मैसेज मिलता है। हाँ मैं एक दो दिन लेट कर दूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझसे मिल सकेगी मैं आपको दूंगा। और मैंने अकाउंटिंग में यहाँ पर किया है मास्टर्स, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी सबसे ज़्यादा टॉप यहाँ पे जो चल रहा है वो IT, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग और मेडिकल, ये 4 चीज़ें हैं। मैं आपको बाकी वीडियोज़ में भी और इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाई हुई है तो मुझे जाना होगा, जाने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, और जाने से पहले आप लोगों को एक व्यू दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ की खूबसूरती का एक छोटा सा व्यू कि कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। एंड आई एम स्टिल टेलिंग यू आई लव ऑस्ट्रेलिया, आई लव मेलबर्न, आई लव पाकिस्तान, और मेलबर्न इज़ द मोस्ट मल्टी कल्चरल सिटी इन द वर्ल्ड एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव हियर। I'm just gonna give you a small view how beautiful it is. आप लोगों को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो दुआ में याद रखना, और मैं वीडियो फिनिश करता हूँ।